उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष द्वे और इस आदरणीय सभा मंडप में उपस्थित सभी सदस्यगण, विधानसभा के, विधान परिषद के, पत्रकार मित्र, भाइयों और बहनों, मुझे अपना विषय इस सत्र के पूर्व रखना था, अधिक से अधिक मित्र अपनी बात कह सकें, इसलिए उस समय मैंने अपना विषय रखना उचित नहीं समझा। अब यह अवसर कार्यक्रम के समापन का है। यद्यपि हमारे भारतीय दर्शन और चिंतन में समापन जैसी कोई बात नहीं होती, जीवन भी समाप्त नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप में ना रहने के बाद भी चला करता है, ऐसी भारतीय दर्शन और चिंतन की मान्यता है। इसलिए यह समापन भी आगे के कार्यक्रमों का प्रारंभ होगा। मैं इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी का, माननीय राज्यपाल जी का हृदय से एक बार अभिनंदन करता हूं। निर्वाचित विधायक और सांसद के कर्तव्य बहुत बहुआयामी है। विधानसभा में, विधान परिषद में, संसद में अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उसे एक भिन्न प्रकार की भूमिका का निर्वहन करना होता है, लेकिन वही विधायक और सांसद जब अपने क्षेत्र में होता है तो उसकी कठिनाइयां भिन्न प्रकार की होती हैं। कॉमनवेल्थ देशों में प्रायः और भारत में विशेष रूप से आम जनता में एक धारणा है कि विधायक और सांसद जो चाहें सो करा सकते हैं और इसलिए उनके पास सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज से सिफारिश करने से लेकर सब तरह के काम आते हैं जिनका उनसे संबंध नहीं है। दुनिया के अन्य देशों में इस तरह की आकांक्षा, अपेक्षा आम जनता नहीं रखती, लेकिन हमारे देश में ऐसी अभिलाषा आम जनता रखती है। कहा जाता है और सही भी है कि बहुत ज्ञान बढ़ा है, बहुत शिक्षा बढ़ी है, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन हम लोगों से अपने काम के लिए मिलने वाले लोगों में जो पीएचडी हैं दो दो विषयों के, वे भी कहते हैं कि अरे साहब, आप हाई कोर्ट के जज को फोन करोगे तो मुकदमा क्यों नहीं हो जाएगा। तो हमसे ऐसी अपेक्षाएं होती हैं कि उन अपेक्षाओं को पूरा करना बड़ा कठिन होता है और ठीक से इनकार कर देना और भी कठिन, और आश्वासन दे देना ये और भी कठिन, इसलिए कि आश्वासन देने के बाद वो व्यक्ति शाम को फिर आएगा। तो एक बहुत दुखद और अंतर्विरोधों से भरा जीवन हम लोग जीते हैं। विधायक और सांसद के पास कोई अधिशासी, एग्जीक्यूटिव अधिकार नहीं होते, सिफारिशी अधिकार होते हैं और अपने क्षेत्र और जहां तक उसके व्यक्तित्व के कारण उसका क्षेत्र बनता है। मंत्री हो जाने पर बहुत दूर तक का क्षेत्र बनता है, विधायक हो जाने पर एक क्षेत्र की सीमा होती है। भिन्न भिन्न दलों के राष्ट्रीय, प्रांतीय संगठनों में काम करते हुए उसकी व्यक्तित्व की परिधि और विकसित होती है, तो उस परिधि में रहने वाले लोग आते हैं और बार बार आग्रह करते हैं इसी प्रकार का, तो वो कितना इनकार करेगा, कितना स्वीकार करेगा, कितना आश्वासन देगा। मोटे तौर पर हम विधायकों की कठिनाइयां, यह कठिनाई बहुत बड़ी है, आम जनता की धारणा और काम न कराने पर एक उपधारणा कि ये विधायक हमारी सुनता ही नहीं है, ये विधायक अब बड़ी जगह पर पहुंच गया है, सांसद बड़ा हो गया है तो हमारी सुनवाई नहीं करता। तो भी हम सब संविधान के शपथी हैं,
हमारे सामने विकास से जुड़ी, प्रदेश के विकास से जुड़ी और पूरे देश के विकास से जुड़ी तीन प्रकार की मोटी मोटी समस्याएं होती हैं। विधानमंडल के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय विकास की योजनाएं बनाने का हमारे पास अधिकार नहीं होता। उन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारें करती हैं अपने ढंग से, उनमें सुझाव देने का क्रियान्वयन में, नीति निर्माण में नहीं, और उन्हें नीचे तक पहुंचाने में विधायक की भूमिका होती है, लेकिन वह भूमिका भी प्रायः सिफारिशी होती है। हम संस्तुति कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दूसरे सत्र में आज हम लोगों ने विधायकों को बहुत प्रभावी बनाने की दृष्टि से, उनका ध्यान विधि निर्माण की तरफ ले जाने की दृष्टि से विचार किया था। अनेक विद्वानों ने यहां अपना विषय रखा। हमारा अपना अनुभव है, लंबे समय तक विधानसभा में रहकर और विधान परिषद में रहकर, कि विधेयकों पर होने वाली बहस की गुणवत्ता पहले की तुलना में अब घटी है। यद्यपि पहले हमारे पास विधेयक के बारे में, विधेयक से जुड़े अनुषंगी विषयों के बारे में बहुत जानकारियां नहीं होती थी 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, लेकिन तब अध्ययन के आधार पर हम सब विधेयकों के निर्माण में हस्तक्षेप करते थे। हम सबको विधायक कहा ही इसलिए जाता है कि हम विधि निर्माता हैं, विधि, विधायन, विधायक। तो हम विधायक इसलिए हैं कि हम विधि निर्माण में हिस्सा लेते हैं। मुझे याद है 85 से 89 के सदन में माननीय नारायण तिवारी जी मंत्री हुआ, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब विधि निर्माण का अवसर आता था तो मैं नया विधायक था, मेरी समझ में नहीं आता था कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कि परंतु को घटा दिया जाए, लेकिन जोड़ दिया जाए, उपधारा को वहां कर दिया जाए, आदि आदि। तो उस समय बड़ा परिश्रम करने के बावजूद 4 महीने 6 महीने तक समझ में नहीं आया कि ये विधि निर्माण क्या है। धीरे धीरे एक बात पकड़ में आई कि किसी भी विधेयक में अंतिम पन्ना उद्देश्य और कारण का होता है। तो कानून ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य और कारण ये पढ़ लेने से काम चलाऊ बात बन जाती थी, लेकिन पूरी तरह से संतोष नहीं होता था। तब एक परिपाटी थी कि हम अपने वरिष्ठों के पास जाते थे। मुझे याद आता है रविंद्र तिवारी जी फैजाबाद के विधायक जी थे, समाजवादी नेता थे, पढ़ते बहुत थे, स्वयं भी बहुत अवगत थे, तो हम लोग उनके पास जाते थे जब कोई विधेयक आता था, और उसका अध्ययन करने के बाद यहां बहस में भाग लेने का प्रयास करते थे। यद्यपि यह बात पुराने समय से ही है कि विधि निर्माण में, लेजिस्लेटिव बिजनेस के काम में उपस्थिति घट जाती थी और बाद में उपस्थिति बढ़ जाती थी। उपस्थिति विधानसभा में, मैं व्यक्तिगत रूप में इस पर जोर दूंगा और अपनी बात आज की समाप्त करूंगा, श्रद्धेय राज्यपाल जी को और माननीय ओम जी को बोलना है, केवल उपस्थिति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ज्ञान और अनुभव, नॉलेज और एक्सपीरियंस, इनका कोई विकल्प नहीं होता। ज्ञान ना तो मार्केट में मिलता है और ना एक्सपीरियंस मार्केट में मिलता है कि आप उसको उधार ले लें। ज्ञान और अनुभव प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए अनिवार्य तत्व हैं। विधायक का काम और बड़ा है, बहुत बड़ा, इसलिए विधायक के पास ज्ञान और अनुभव दोनों होने चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति के दो खंड हो सकते हैं, एक कि हम सांसारिक ज्ञान प्राप्त करें, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिलॉसफी का, साइकोलॉजी का, आदि आदि, और दूसरा हम संविधान के उपबंधों को पढ़ते हुए सदन की कार्यवाही के बारीक तत्वों को ध्यान में रखें। लेकिन विधानसभा की और संसद की कार्यवाही किताब से ही नहीं जानी जा सकती, बड़ा कठिन है।
हम में से अनेक माननीय सदस्य पहली बार आए हैं चुनाव जीतकर, लगभग 3 साल होने को है। नियमावली को पढ़ते हुए तमाम नियम दिमाग में नहीं आए होंगे, पढ़ने से बहुत पकड़ में नहीं आते। जैसे तैरना हो नदी में तो तैरने की कोई किताब हमको तैराक नहीं बना सकती, उसके लिए नदी में उतरना ही पड़ेगा। नदी में उतरे बिना हम तैरना नहीं जान सकते। इसी प्रकार अनेक काम हैं जो पुस्तक से समझ में नहीं आते। ऐसे ही विधानसभा की, विधान परिषद की कार्यवाही है, आप किताब पूरी याद कर लीजिए। अगर हम विधानसभा और विधान परिषद में, संसद में विनम्र साधक की भूमिका में समय के 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचते, जैसा कि मैं करता रहा हूं हमेशा विधानसभा में, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी करते रहे, सुरेश खन्ना जी भी करते रहे और अनेक लोग बैठे, मैंने दो नाम लिए, तो प्रारंभ में पहुंच जाना कार्यवाही शुरू होने के पहले, तो वैसी ही बात हुई जैसे नदी में तैरने के लिए तट पर पहुंच जाना। फिर बहस होगी, हम बहस को ध्यान से देखेंगे, विषय आएंगे, हम विषय को ध्यान से सुनेंगे, जिसकी शैली अच्छी लगती होगी उसका अनुसरण करेंगे, जिसकी शैली अच्छी नहीं लगेगी उसके बारे में एक उपधारणा बना लेंगे कि एक कम ठीक बोलता, मुख्य धारणा नहीं, मेरी सिफारिश है उपधारणा बनाना ताकि उसको बदला जा सके। तो इसके सदन के भीतर बैठे बैठे सीखना, सुनकर सीखना, बोलकर सीखना, और इस तरह से जो लर्निंग होती है, हम सीखते हैं, वह ज्ञान के साथ अनुभव शब्द हमने जोड़ा है, वो अनुभवजन्य होती है। और सदन के भीतर सीखी गई बात यह स्थायी रूप से हमारी हर जगह मदद करती है। जहां तक पढ़ाई का प्रश्न है, मैं एक विनम्र विद्यार्थी के रूप में 4,000-5,000 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ चुका हूं और वह उनके अधिकांश भाग मुझे याद भी हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि हमको कोई परीक्षा देनी थी। हमारी रुचि है, जिसको रुचि होती है जिस काम में, उसमें थकान नहीं आती। मैं भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही का उल्लेख करूंगा, 12-13 खंडों में है, बड़े मोटे मोटे वॉल्यूम, उसको पढ़ते समय बार बार ध्यान आता था, डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं उसमें, कार्यवाही में दिखाई पड़ते हैं, तो वो मेरे लिए शब्द भर नहीं था, आनंद आता था कि डॉक्टर अंबेडकर कैसे बोलते थे। फिर वहां भी जैसे विधानसभा में हंसी मजाक नोक झोंक होती, वैसे संविधान सभा में भी नोक झोंक है। हरिविष्णु कामत बोल रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे हैं संविधान सभा की कार्यवाही, हृदयनाथ कुंजरू बोल रहे हैं संविधान सभा की कार्यवाही में, के एम मुंशी बोल रहे हैं संविधान सभा की कार्यवाही में, राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए एक शब्द चित्र उभरता था हमारे सामने। क्या हम सभी विधायक अपने पूर्वज अग्रज लोगों द्वारा अपने अपने विधानमंडल में बोले गए शब्द कार्यवाही में पढ़ते समय आनंद मगन हो सकते हैं? एक पढ़ना तो यह हुआ कि हम पढ़ेंगे और उपयोग के लिए याद कर रहे हैं, एक पढ़ना इसलिए हुआ कि हमको आनंद आएगा और वह पढ़ा हुआ ज्ञान हमारे मस्तिष्क में शब्द रूप में भीतर जाकर चित्र बनाएगा और चित्र से फिर वह प्रॉपर्टी हमारे चित्त की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसे ही सिफारिश मैं कर सकता हूं इस विधानसभा का अध्यक्ष होते हुए। मुझे विधायन पर और इस पर बोलना, बजट पर कल बहुत विद्वान हमारे मित्र बोल चुके थे, मुझे लगता है कि मैंने 2-3 बातें प्रमुख रूप में की हैं और उसमें हम जोड़ सकते हैं कि हमारी प्राथमिकता यद्यपि निर्वाचन क्षेत्र का विकास, निर्वाचन क्षेत्र की गतिविधि होती है, लेकिन हमने संविधान की शपथ ली है कि हम अपने अपने सदन की सेवा करेंगे, तो इसलिए सदन की कार्यवाही में उपस्थिति, जैसा मैंने पहले कहा, उपस्थिति सघन उपस्थिति। मैं 5वीं बार सदस्य विधानसभा हूं, पहले लंबे समय तक विधान परिषद में भी रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि हमारी उपस्थिति एक दिन भी इतने लंबे कार्यकाल में अनुपस्थिति की नहीं है। मैं नो मेडिकल, नो कैजुअल,
सदन में उपस्थित रहा हूं। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये कोई मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है, ये इसलिए कि जो मित्र प्रेरित हो सकते हो, नए मित्र, कि वो जितनी देर बैठेंगे इसमें उतनी देर तक ही उसके बाद भी यहां की कार्यवाही आपका ध्यानाकर्षण करेगी। सदन के भीतर प्रीतिपूर्ण व्यवहार, शालीन व्यवहार, सुंदर आचार, सुंदर विचार, विरोध भी करना है तो विरोध करने का अपना ढंग, शब्द संयम। हमारा सौभाग्य है कि हम जिस लखनऊ में यहां यह सम्मेलन कर रहे हैं, यहां के ही सांसद लंबे समय तक रहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत लंबे समय तक वो विपक्ष में बैठे हैं। अब तो नई तकनीकी आ गई, यूट्यूब पर उनके भाषण पढ़े जा सकते हैं। विपक्ष की भूमिका के निर्वहन में अटल जी जैसा प्रेरक, हमारे आपके लिए प्रेरक बार बार पढ़ा जाना चाहिए। कैसे विपक्ष में बैठ के वो बोलते थे, कैसे सत्ता पक्ष के नेता के रूप में कैसे आचरण करते थे। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज दोहरा रहा हूं, सदन के प्रति आदर भाव, हम सबको बताया जाता है, सिखाया जाता है, घुसेंगे तो अध्यक्ष पीठ को प्रणाम करेंगे, हम भी उठते हैं तो प्रणाम करते हैं, सदन को जितना ही हम प्रणाम करते हैं, सदन जितना ही ज्यादा हमारे लिए श्रद्धेय होता है, उतना ही सदन की, राष्ट्र की, समाज की, संस्कृति की, दर्शन की हम पर अनुकंपा होती। माननीय मोदी जी जब पहली बार सदन में प्रवेश कर रहे थे तो हम सबने देखा होगा कि उन्होंने लेटकर माथा सीढ़ियों पर रखकर सदन को प्रणाम किया था। क्या हम इस विषय से प्रेरणा नहीं ले सकते कि सदन हमारे लिए कितना मूल्यवान और कितना कीमती? यह विषय सदनों में व्यवधान का बड़ा दीर्घकालिक है, बड़ा लंबा है, किसी एक सरकार, किसी एक देश, किसी एक प्रदेश से को लेकर इसकी अध्ययन और चर्चा नहीं हो सकती। माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने तीन महीना पहले कमेटी बनाई थी, मुझे उसका सभापति बनाया था, मैंने अनेक राज्यों से पत्राचार किया है, उसकी बैठकें चल रही हैं। तो इस विषय को हम यहीं छोड़कर, अनिर्णित छोड़कर मैं अपने अंतिम निवेदन में आता हूं। तीन दिन तक हम लोग यहां बैठे हैं, पहले दिन हम लोगों ने कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में, दूसरे दिन बजट पर, और आज तीसरे दिन विधायिका के कर्तव्य के प्रति हम लोगों ने लंबा विचार विमर्श किया है। पहले दिन माननीय श्री विजय कुमार चौधरी बिहार के अध्यक्ष, श्री हेगड़े जी कर्नाटक के अध्यक्ष, श्री पसांग जी अरुणाचल के अध्यक्ष, श्री सूर्य नारायण जी उड़ीसा के, आदरणीय जोशी जी राजस्थान के, अजय मिश्रा जी हमारे सांसद यूपी के, राजेंद्र द्विवेदी जी गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष, मुकुल स्वामी जी सांसद मलेशिया, श्री हितेंद्र नाथ जी अध्यक्ष असम, श्री रवीन्द्र नाथ महतो अध्यक्ष झारखंड, ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा के अध्यक्ष ने हिस्सा लिया था। आज सुधांशु जी सांसद राज्यसभा, हेगड़े जी कर्नाटक, अजय मिश्रा जी सांसद, जोशी जी राजस्थान, प्रेमचंद जी उत्तराखंड, सूर्य नारायण जी उड़ीसा, दीपक राज गुप्ता जी ऑस्ट्रेलिया के, ऐसे महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सबको, सभी वक्ताओं के प्रति धन्यवाद देता हूं। कल माननीय नेता प्रतिपक्ष का मार्गदर्शन हमको मिला था, आज संसदीय कार्य मंत्री जी का मार्गदर्शन मिला है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष इस पूरे कार्यक्रम में प्रतिपल जुड़े रहे हैं, और मुझे धन्यवाद देना चाहिए एक क्रम से कि मैं सबसे पहले तो प्रकृति को धन्यवाद देता हूं कि बहुत आनंदमय वातावरण रहा, हम सब लोग बाहर भी गए तो पानी और भीतर आए तो विषय, और भिन्न भिन्न भोज कार्यक्रमों में हमारी आपकी भेंट हुई, उस भेंट में भी प्रीति रस था, प्रेम राग था, हम लोग बार बार मिले। आज जब बाहर के मित्रों को हम समापन के बाद विदा कर रहे हैं तो इन तीन दिन का आनंद और प्रेम जो संवर्धित हुआ है वो हमको, उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत याद आएगा। आप सबने बहुत अनुकंपा की, यहाँ आए प्रवास के लिए आपके सम्मान में हम
हमारी तरफ से बहुत प्रयास किए गए, वो कितना उचित रहे कितना अनुचित ये आप बताएंगे, लेकिन हमारा प्रेम, हमारा आदर, हमारी प्रीति, हमारा सद्भाव आपके प्रति, हमारी भावना ये अगाध है और मैं उसे शब्दों में व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हूं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने हर तरह से इस सम्मेलन को व्यवस्थित करने की दृष्टि से, हर तरह से इस सम्मेलन की सफलता की दृष्टि से प्रतिपल योगदान दिया है, विचार विमर्श का को नेतृत्व भी दिया है। हम उनके प्रति इस आदरणीय सभा मंडप में विशेष रूप से आभारी हैं। मैं पत्रकार मित्रों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सम्मेलन की कार्यवाही का बहुत सुंदर सकारात्मक प्रसारण किया है और इस तरह से उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को कॉमनवेल्थ के बारे में जानकारियां मिली हैं और राजधानी में आसपास के जिलों में बहुत दूर दराज तक लोग आश्चर्य से देख रहे हैं कि आखिरकार ये कॉमनवेल्थ क्या है, इसलिए कि बहुत तत्ता है नीचे ऐसी संस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं होती। इन शब्दों के साथ मैं पूरे आदर के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, विनयावनत होकर, पूरी विनम्रता के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर मंच पर विराजमान लोगों के प्रति आदर, आप सबके प्रति भी आदर भाव, आपको बहुत प्रणाम करता हूं। धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ